हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ब्यूटी मुसीमा में फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने गर्दन के कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से आप अपने गर्दन पर जमी हुई जो मैल है, गंदगी है, उसे दूर करके आप अपने गर्दन को बेहद गोरा और खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, कई कारण हैं जिसके चलते हमारी गर्दन जो है वो काली पड़ जाती है, जैसे कि स्वच्छता की कमी। अगर आप ठीक से अपने गर्दन की साफ़ सफाई नहीं करते तो उसके चलते भी गर्दन जो है काली पड़ जाती है, सनबर्न के कारण होती है, ज़्यादा पसीना आने से होती है, या मधुमेह के कारण भी होती है। लेकिन कोई भी कारण हो, लेकिन आज जो नुस्खा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसके मदद से आपको काले गर्दन से छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो चीज़ हमें चाहिए वो है मुल्तानी मिट्टी। तो आप एक बाउल लीजिए और उसमें आप एक बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालिए। मुल्तानी मिट्टी डर्ट, ऑयल और स्वेट को अब्जर्व कर देता है, पसीना को अब्जर्व कर देता है, तो बहुत अच्छा काम करता है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है लेमन जूस, जो कि नींबू का रस। तो मैं दो बड़े चम्मच नींबू का रस यहाँ पे मिलाऊंगी। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, तो ये हमारे स्किन को ब्लीच करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है पिसी हुई चीनी। तो आप चीनी को थोड़ा सा ग्राइंड कर दीजिए तो आपको एक सेमी फाइन पाउडर मिलेगा। तो दो बड़े चम्मच आपको चीनी का पाउडर मिलाना है। और आखिरी में जो चीज़ इसमें मैं मिलाऊंगी वो है दही। तो यहाँ पे मैं दो बड़े चम्मच दही मिलाऊंगी। दही में लैक्टिक एसिड होता है, तो बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर भी है और स्किन लाइटनर भी है। तो इन सारी चीज़ों का आप अच्छी तरह से मिला के गाढ़ा सा पेस्ट बना दीजिए। तो इसे आप फ्रीज में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। तो इसे लगाने से पहले आपको क्या करना है, आप एक टॉवल को थोड़े से गर्म पानी में, वार्म वाटर में डाल के आप इस तरह से अपने गर्दन के पास रखिए, जिस तरह से मैं अपने हाथों पे रख रही हूँ। तो आपको 5 से 6 मिनट के लिए इसे रखना है। तो इसे करने के बाद जो ठंडा पेस्ट है आप अपने गर्दन के चारों ओर लगा दीजिए और इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाए आप अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करके अच्छी तरह से इसे रब कीजिए। रब करने के बाद आप अपने गर्दन को ठंडे पानी से धो दीजिए। तो इसे करने के बाद आप अपने गर्दन पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो या आलमंड ऑयल हो, इन तीनों में से कोई भी एक ऑयल अपने गर्दन पे लगाइए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ इस नुस्खे से आपके गर्दन पर जितनी भी जमी हुई गंदगी है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपके गर्दन की स्किन अगर डार्क हो गई है, टैन हो गई है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी गर्दन बहुत ही जल्दी खूबसूरत, गोरी और बहुत बेदाग लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे यूज़ करने के बाद आपको अपने गर्दन को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस नुस्खे को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ आपका रिजल्ट शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय।